नमस्कार, मैं सोनम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल के मोर्चरी हाउस से। और आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और आज भी एक ऐसा मामला सामने आया है। आपको बताना चाहेंगे कि बुलेट वाले ने जो है एक साइकिल सवार मजदूर को जो है कुचल दिया और जिस तरीके से इलाज के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या कुछ पूरा मामला है। यहाँ पर पड़ोसी हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था। जी सर, क्या नाम था इनका? राजेश नाम था सर। कितनी उम्र? 40 साल उम्र है इसकी। कैसे हुआ एक्सीडेंट? किसकी गलती? एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल बुलेट वाली गलती थी। अच्छा। हाँ, जैसे क्रॉस हो रहा था तो उसको देख कर चलना चाहिए कि भाई यहाँ कट है, लोग कट पे है, लाइट बत्ती नहीं जल रही थी जी। हाँ, लाइट जो था सो रोड का लाइट नहीं जल रही थी, बंद थी, तो कट था तो कम से कम उसको स्लो में चलना चाहिए, देख को चलना चाहिए। बीचों बीच जैसे साइकिल का बीच होता है ना, उसको बीच में ही मारा और ये पोखरा ये जो है ये टूट को गिर गया उसका, बिल्कुल यहाँ बाएं में यहाँ चोट लगा। हम लोग लेकर आए हॉस्पिटल लाया, यहाँ तो बस जितना कानून बकने लगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग गरीब मजदूर आदमी हैं। मौके पर कौन था वहाँ पर? उनके पास कोई था? हाँ, मौके पे था। क्या बताया उन्होंने? वो मौके पे था, वो बोला कि वो बुलेट वाले गलती है। अच्छा। वहाँ सब्जी का एक दुकान है। अच्छा। वही मौके पे था। अच्छा। हाँ, वही सब बताए तो हम लोग आए, यहाँ आए तो बोला ये करो वो करो, पहले केस करो, इसको बाद ये होगा, एडमिट होगा, ये होगा। मैं बोला पहले बंदे को तो पहले इलाज करो तो इसको बाद ये सब होगा। नहीं, एडमिट कर को बस छोड़ दिया। मैं बोलने लगा जादे तो मेरे करा जादे मत बोला करो, या मैं अपनी कानून से करूंगा। अच्छा। अपना सब मस्ती डॉक्टर मार रहा था। हाँ, डॉक्टर था, हम लोग मुरुख है, उसको तो बेच लगा रहा था, हम लोग को पढ़ने तो रही आता है, हम लोग मुरुख आदमी है, पढ़ा लिखा रहता है, तब कहता है चलो बेच, हम आपको फोटो खींच लेते हैं, हम कि मीडिया वाले देंगे चाहे किसी को देंगे। मैडम जी, हम लोग तो मुरुख आदमी है, वो सब कहता है क्या करेगा ये सब, इसको तो कुछ बुझने नहीं आता। हाँ, बस बोला बाहर जा, हाँ बोला बाहर जाके बैठ जाओ, हम अपना हिसाब से कर रहे हैं, करेगा क्या। एक दो घंटे ऊपर नीचे कराया, बोला यहाँ करो वहाँ करो, बस उसी में थोड़ी देर बाद बोला कि ये तो डेट कर गया, इसको ले जाओ। अच्छा। हाँ, बस। तो क्या इनका व्यवहार कैसा था? कोई व्यवहार बहुत, कोई लेडी भी थी यहाँ पर डॉक्टर? डॉक्टर तो लेडीज भी थी। क्या कहा उन्होंने? क्या कहेगा, बोला डेट कर गया। क्या कहा उन्होंने बदतमीजी की? हाँ, बस हो गया, यही सब होता है यहाँ, गरीब को कोई देखने वाले नहीं है। बड़ा हॉस्पिटल तो बना दिया, बहुत लंबा चौड़ा। बुलेट का कोई नंबर वगैरह नोट किया आपने कुछ किया? हाँ जी, बुलेट का नंबर। हाँ, बुलेट वो चौकी में है, 7 सेक्टर चौकी में है। गिरफ्तार कर लिया? हाँ, गिरफ्तार है, वो भी है, उसको भी चोट लगा है तो प्राइवेट से इलाज करके और फिर आ गया मेरे ही साथ और यही आके एग्रीमेंट हो गया तो उसको इलाज होने लगा फटाफट। वो वकील का लड़का था चाहे कोई भी था, उसको इलाज फटाफट होने लगा, हमारे मरीज को कोई देखने वाला नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ, ऐसे छोड़ दिया, बस थोड़ी देर बाद। क्या क्या फायदा फिर इतने करोड़ों तब इतना करोड़ों इतना लंबा लंबा हॉस्पिटल बना दिया, ये हो गया हो गया, यहाँ गरीब का देखने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर वैद्य कोई नहीं, सब मस्ती मारते रहता है। हाँ, किसी ने पूछा नहीं है? कोई नहीं पूछता है, क्या पूछेगा, सबको उसको तनख्वाह का खाते में आना है, अपना मौज मस्ती में बस। क्या क्या मेरा नाम है अरुण जी, ये लोग क्या बस तनख्वाह लो 10-20 हज़ार, काम कुछ नहीं करना हमने भाई, हमने रोटी खाना आराम से एसी में बैठे रहे, हम गरीब बंदे धूप में मर रहे हैं। आपका तो घर से सदस्य चला गया, फिर उसका क्या, उसकी कौन भरपाई करेगा? वो भरेगा, नहीं तो मैं कार्रवाई करूंगा मैं। हाँ जी मैम, कहाँ? बिहार से रहने वाले? जी सर। क्या कितने बच्चे इनके? 4 है। 4 बच्चे? छोटे छोटे बच्चे? छोटे छोटे बच्चे, एक 18 साल की लड़की है, 8 साल से नीचे ही है सब। यहीं पे रहते थे, काम करने के लिए आए हुए थे? हाँ जी, मजदूर थे। तो क्या लगता है मजदूरों का कोई जीवन नहीं है? कोई नहीं है, इसकी तो समझ नहीं, कीड़ा मकोड़ा समझे ये लोग तो, मजदूरों के जीवन समझे ना, कीड़े मकोड़े समझे, खट्टर भी, खट्टर क्या, इसको हटाएंगे खट्टर को, वोट नहीं है हम, वोट लेने के नाम पे तो सब आ जाते हैं। हाँ जी, पैर पकड़ेंगे हमारे, गरीब बंदे बैठे कोई नहीं, ले लो आप, देखते हो हमें खट्टर को वोट, मेरे भी पास है। तो देख सकते हैं फिलहाल गुस्सा जरूर घर वालों को, तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से जिस तरीके से एक मजदूर बिहार से यहाँ पर काम करने के लिए आता है, काम के दौरान, जी हाँ काम के दौरान ही वो अपने घर को जा रहा होता था, कुछ काम कर रहा होता था, लेकिन आज
अचानक ही एक ऐसी खबर आप लोगों तक पहुंचानी पड़ रही है कि वो कल जो है घटना घटित होती है, जिस तरीके से बुलेट सवार व्यक्ति ने जो है उनको कुचल दिया और उसके बाद जो है इलाज के लिए आए यहाँ पर कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में, यहाँ पर जो है इलाज के दौरान उसकी मृत्यु होगी। और इन लोगों का ये कहना है, जो कि तमाम आप लोग देख सकते हैं, इन लोगों का ये कहना है कि हमारे सदस्य का इलाज जो है प्रॉपर नहीं हो पाया, इसी की वजह से जो है कहीं ना कहीं डेथ हुई है। और उसके बाद इनके अंदर भारी गुस्सा है कि जिस तरीके से वोट ले ली जाती है, लेकिन हमारे लिए कोई कानून कोई तरीका नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई रवैया नहीं है कि हम लोगों की हेल्प की जाए। गरीब लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह जो है समझा जाता है, उसके बाद उनको यूज़ करके कहीं ना कहीं यूज एंड थ्रो के साथ होता है, ऐसा लोगों का कहना है। और इन लोगों को एक बार जो है आपको आवानी थी प्रशासन तक पहुँचानी थी कि हमें जो है जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इनके घर का सदस्य गया है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर उनका पालन पोषण कौन करेगा, और जिस तरीके से एक्सीडेंट करने वाला आज फरार है, उस चीज़ की भरपाई कौन करेगा, ऐसा इन लोगों का सवाल है। और सवाल ये भी बड़ा यहाँ पर है कि वोट लेने के नाम पर सभी नेता एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन जब एक गरीब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप लोगों के मन में भी देख सकते हैं इन लोगों की यही मांग है कि हमें जो इंसाफ मिले। आप लोगों से अपील, इनके सहयोग के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द चिल्ड्रन में, रेड सरूम के साथ कैमरामैन पर भी मेरे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।